ध्वनि भाग दो, ध्वनि तरंग। पिछले वीडियो में हमने ध्वनि के उत्पादन तथा संचरण के बारे में जाना। इस वीडियो में हम ध्वनि तरंगों यानी साउंड वेव्स के बारे में जानेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि ध्वनि एक यांत्रिकी तरंग है और इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब ध्वनि के माध्यम को और बेहतर समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक वायुरुद्ध कांच का बेल जार और एक विद्युत घंटी लो। अब एक निर्वात पंप को बेल जार की तली से जोड़ो। तस्वीर में दर्शाए अनुसार विद्युत घंटी को बेल जार के अंदर लगाओ। अब स्विच को दबाओ और तुम घंटी की आवाज को सुन पाओगे। अब निर्वात पंप को चालू करो। तुम देखोगे कि घंटी की ध्वनि धीरे धीरे कम हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है, क्या होगा जब जार की सारी वायु पंप से बाहर निकल जाएगी? क्या तुम अब भी घंटी की ध्वनि को सुन सकते हो? अब ध्वनि तरंग को समझने के लिए एक और क्रियाकलाप करते हैं। एक स्लिंकी लो और अपने दोस्त से इसके एक सिरे को पकड़ने के लिए कहो। तुम स्लिंकी के दूसरे सिरे को पकड़ो। अब स्लिंकी को खींचो और अपने दोस्त की तरफ एक जोर का झटका दो। तुमने क्या देखा? कुंडली के कुछ हिस्से पास पास हो जाते हैं, जबकि कुंडली के कुछ हिस्से दूर दूर हो जाते हैं। कुंडली के पास पास के हिस्से संपीड़न है और दूर दूर के हिस्से विरलन है। अब स्लिंकी में विक्षोभ के संचरण की तुलना माध्यम में ध्वनि के संचरण से करो। इन तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है। इन तरंगों में कण एक जगह से दूसरी जगह गति नहीं करते, वे बस अपनी विरामावस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। ध्वनि तरंगे भी इसी तरह संचरण करती हैं, इसलिए ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तरंग एक और प्रकार की होती है जिसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंग में कण आगे पीछे गति नहीं करते, वे तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में अपनी माध्य स्थितियों में ऊपर और नीचे गति करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण प्रकाश है, लेकिन प्रकाश में दोलन माध्यम के कणों या उनके दाब या घनत्व के नहीं होते, क्योंकि ये एक यांत्रिकी तरंग नहीं है। अब हम ध्वनि तरंग की विशेषताओं को समझते हैं। किसी ध्वनि तरंग को आवृत्ति, आयाम और वेग की मदद से व्यक्त किया जाता है। ध्वनि तरंग की इन तस्वीरों पर नजर डालो। ये किसी दी गई दूरी के साथ समय पर ध्वनि तरंग के घनत्व तथा दाब में परिवर्तन दर्शाता है। संपीड़न वो भाग है जहां कण पास पास आ जाते हैं। इन्हें वक्र के ऊपरी भाग में दर्शाया गया है। वक्र का शिखर अधिकतम संपीड़न को दर्शाता है, इसलिए संपीड़न में घनत्व तथा दाब दोनों अधिक है। कम दाब का क्षेत्र जहां कण दूर दूर हैं विरलन है। इन्हें वक्र के निचले हिस्से में दर्शाया गया है।
वक्र के शिखर को श्रृंग तथा घाटी को ध्वनि तरंग का गर्त कहा जाता है। दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तरंग दैर्ध्य को लैम्ब्डा से व्यक्त किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर है। जब कभी ध्वनि किसी माध्यम में संचरण करती है तो माध्यम का घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और दोबारा अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन पूरा होता है। एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू से व्यक्त किया जाता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। इसे हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन के भी भविष्य में विकास की नींव रखी। एक पूरा दोलन करने में लिया गया समय उस ध्वनि तरंग का आवर्त काल होता है, जिसे टी से व्यक्त किया जाता है। आवृत्ति और आवर्त काल में संबंध न्यू बराबर एक बटा टी। अब माना कि किसी वायलिन और बांसुरी को एक ही समय पर बजाया जाता है। दोनों की ध्वनि एक ही माध्यम वायु में चलती है और तुम्हारे कानों तक पहुंचती है, लेकिन तुम्हें दो अलग अलग ध्वनि क्यों सुनाई देती हैं? ऐसा दोनों ध्वनियों के अलग अलग अभिलक्षणों के कारण होता है। उन अभिलक्षणों में से एक ध्वनि का तारत्व है। किसी ध्वनि की आवृत्ति को दिमाग किस प्रकार अनुभव करता है, उसे तारत्व कहा जाता है। किसी स्रोत का कंपन जितना अधिक होता है, उसकी आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और ध्वनि का तारत्व भी उतना ही अधिक होता है। इसलिए उच्च तारत्व की ध्वनि एकांक समय में किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाले संपीड़न तथा विरलनों की संख्या को बढ़ा देती है। अलग अलग वस्तुएं अलग अलग आवृत्ति तथा अलग अलग तारत्व वाली ध्वनि उत्पन्न करती है। अब यदि हम किसी टेबल को धीरे से चोट मारें, तो हमें एक धीमी ध्वनि सुनाई देगी और यदि हम टेबल को जोर से चोट मारें, तो हमें जोर की ध्वनि सुनाई देगी। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? सोच कर देखो। ऐसा ध्वनि तरंग के आयाम के कारण होता है। किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे ए से व्यक्त किया जाता है। ध्वनि के लिए आयाम का मात्रक भी दाब या घनत्व का मात्रक होगा। जैसे ही ध्वनि स्रोत से निकलती है, इसका आयाम और प्रबलता दोनों कम हो जाते हैं। एक प्रबल ध्वनि धीमी ध्वनि की अपेक्षा अधिक दूरी तक चल सकती है। ध्वनि की गुणता वो अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व तथा प्रबलता वाली दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं और वो ध्वनि जो अनेक आवृत्तियों का मिश्रण होती है स्वर कहलाती है और ये सुनने में सुखद होती है। शोर वो ध्वनि है जो सुनने में कानों को पसंद नहीं होती, जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है और अधिक गुणवत्ता का होता है। इस वीडियो में हमने ध्वनि तरंगों यानी साउंड वेव्स के बारे में जाना।
अगले वीडियो में हम ध्वनि की चाल के बारे में जानेंगे।